एक पॉइंट जो तुमने अभी बोला कि तुमने थर्ड ईयर में इंटर्नशिप किया था, ठीक है, नाउ अगेन गोइंग बैक टू दैट क्वेश्चन कि तुमने पहले बोला यू आर कमिंग फ्रॉम प्रेसिडेंसी, किसी ने एक्चुअली नहीं किया उस कॉलेज में, अभी कोई नहीं कर रहा मतलब, एंड तुम्हारे बैच में किसी ने किया, बट एक्चुअल में इट्स वेरी अनकॉमन कि ग्रेजुएशन लेवल पे कोई इंटर्नशिप करे थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में इन एक्चुअल डोमेन. तो तुम्हें कैसे मिल गया इंटर्नशिप ये बताओ, क्योंकि ये कॉमन है, सब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम इंटर्नशिप कहाँ करें. मैं उनको खाली एक चीज़ बोलती हूँ कि ग्रेजुएशन लेवल पे इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो तुम्हें कैसे मिल गया? स्टूडेंट्स को ये बोले कि पूछना बंद करे, अप्लाई करना स्टार्ट करे. मैंने यही किया था. मैंने क्या किया था, मैंने अपना सीवी बनाया जो भी ग्रेजुएशन तक मेरे सीवी में जो होना चाहिए वो लिखा था. एंड मैंने क्या किया था कि मैंने कंपनी टारगेट किया था जिसको फुल टाइम रोल चाहिए एट फ्रेशर, ठीक है, उसको मैंने सीवी भेजना स्टार्ट कर दिया. कोल्ड ईमेल बताइए, कोल्ड इसमें लिंक्डइन में रीच किया था, तो मैं सबको अप्लाई किया था ऐसा फुल टाइम रोल की ठीक है तुम मेरे को फुल टाइम रोल दो. अब उसमें क्या होना, किस्मत तो मैं बोलूँगा हैड प्लेड अ हैंड, तो उसमें मेरा सीवी एक्सेप्ट हो गया फॉर फुल टाइम रोल. इंटरव्यू में पता चला कि मैं ग्रेजुएशन में हूँ, ठीक है. अच्छा, तो पता नहीं था. तो फिर उनके साथ मैंने थोड़ा सा नेगोशिएट किया कि देखो कैंडिडेट मैं अच्छा हूँ, ठीक है, फ्लेक्स नहीं कर रहा, मैं बोला मैं काम कर लूँगा, आप जो मेरे को दोगे मैं कॉलेज भी मैनेज कर लूँगा, काम भी कर लूँगा, आप बस मेरे को मौका दे के रखो. हाँ. तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मेरे को बोला था कि तुम ठीक है तुम 6 महीने तक इंटर्नशिप करो, उसके बाद अच्छा लगा तुमको हम कन्वर्ट कर देंगे फुल टाइम में. तो दे गेव मी दैट अपॉर्चुनिटी जो मिलता नहीं है इजीली. बट आजकल मैं बोलूँगा ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क जो बहुत बढ़ गया आजकल, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज ना आजकल कॉन्ट्रैक्ट में ले रहे हैं, उसमें हाई चांसेस है कि समवन हु इज इन द लास्ट लेग ऑफ ग्रेजुएशन टू गेट एंट्री इन टू द मार्केट. तो कर लो मैं तो बोलूंगा, बट मेरा डिफिकल्ट तो है, बट डोंट यू थिंक डिफिकल्ट बहुत ज्यादा है, बिकॉज मेरे फ्रेंड सर्कल में मैंने बहुत एक्चुअली इसके फ्रेंड बनाए, बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं एंड बट हाँ ये अनपेड नहीं होता, पे मिलता है इंटर्नशिप. चलो अगर देयर आर स्टूडेंट जो अनपेड के लिए रेडी जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस, बट तुम्हें उस समय फॉर द ग्रेजुएशन के टाइम पे, क्योंकि उनको खाली 2-3 महीने का इंटर्नशिप भी करना है, तो अभी पॉसिबल है स्टूडेंट्स के लिए? देखिए कंपनी ना उतना इंटरेस्टेड नहीं है टू सेव पेमेंट्स टू बाय नॉट पेइंग टू इंटर्न, कंपनी रेडी है पे इंटर्न. वो नहीं बोल रही हूँ मैं, जैसे ग्रेजुएशन लेवल पे आज अगर एक स्टूडेंट को ढूंढना है जो इंटर्नशिप, उसको क्या करना चाहिए? ठीक है, सो बेसिकली इंटर्नशिप कौन सी कंपनीज प्रोवाइड करते हैं? ग्रेजुएशन लेवल, ग्रेजुएशन का ईयर देके ही कंपनीज डोंट टेक ना. हाँ ये तो स्क्रीनिंग होती है, बट इंडियन कोड इंश्योरेंस कंपनी ऐसे कोई भी इंडियन लाइफ इंश्योरेंस उठा लो, वो लोग इंटर्नशिप के बाद ही कन्वर्ट करते जॉब. तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इंटर्नशिप चाहिए, वो ऐसे कंपनीज को टारगेट कर सकता है, बिकॉज सर्चिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी बहुत मेजर प्ले रोल करता है, क्योंकि आप सब कंपनी अप्लाई करोगे नहीं मिल सकता है, बट आप टारगेट करोगे जो कंपनी पास्ट एक्सपीरियंस में दे रखा है इंटर्नशिप, अब उसको टारगेट करो तो बहुत चांसेस मिल सकता है, बट इट इज़ वेरी अनकॉमन. एंड ठीक है, अगर किसी को नहीं भी मिले वो ग्रेजुएशन के बाद भी इंटर्नशिप कर लो ना. हाँ मतलब इट्स नॉट एन इशू, इट्स इज इट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ग्रेजुएशन के साथ, क्योंकि नो वन डज, लाइक आउट ऑफ 100 वन मे बी इज डूइंग. देखो इट इज अ वेरी नाइस टॉकिंग पॉइंट टू हैव इट इन द सीवी, आप इंटरव्यू में बोल सकते हो कि मैंने इंटर्नशिप करा है. बट द थिंग इज कि आप नहीं भी करो ना तो जो इंटरव्यूअर है वो उतना भी इंपैक्टेड नहीं होता है. करेक्ट, बिकॉज समवन हु इज हायरिंग फॉर अ फ्रेशर रोल एक्सपेक्ट्स अ क्लीन स्लेट फ्रॉम द कैंडिडेट. तो अगर कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है, बट वो बहुत रेयर होता है. Correct. अगर नहीं तो डोंट डीमोटिवेट. करेक्ट, क्योंकि एक्चुअली एक ऐसा प्रोफेशन है जो तुम पढ़ते हो वो थोड़ा सिंप्लीफाइड रहता है, प्लेन वनीला रहता है, जॉब में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं. तो जिसने पेपर भी निकाल रखे हैं उसको भी क्लीन स्लेट से देखेगा इंश्योरेंस कंपनी का रिक्रूटर. तो हाँ ये तो रहता है, बट अगर मिल जाए तो उसको एकदम करना ही चाहिए. डोंट लाइक रन अवे फ्रॉम दैट अपॉर्चुनिटी, राइट, ऑब्वियसली, बिकॉज वो तुमको एक अपने 100 CV में से एक फर्स्ट में ला देगा. हाँ वो तो है फॉर श्योर.